हेलो फ्रेंड्स दिस इज आदिल यूसुफ एंड इन दिस लेक्चर वी विल सी व्हाट ए फीसटल साइफर स्ट्रक्चर इज राइट दिस स्ट्रक्चर वाज नेमड आफ्टर द जर्मन बॉर्न फिजिस्ट एंड क्रिप्टोग्राफर हॉर्स फीसटल मोस्ट ऑफ द ब्लॉक साइफर टेक्निक्स फॉलो दिस स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो डी वगैरह है मोस्ट ऑफ द ब्लॉक साइफर टेक्नीस जो भी ब्लॉक साइफर टेक्निक्स है दे फॉलो दिस फीसटल साइफर स्ट्रक्चर हमारे पास फिगर वन है जो हमें दिखाएगी द प्रोपोज फिस्टल साइफर स्ट्रक्चर दिस इज फिगर वन सी सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द इनपुट टू द एनक्रिप्शन एल्वार्डम हमारे पास जो एनक्रिप्शन एल्वार को इनपुट है दैट इज प्लेन टेक्स्ट ऑफ लैंग्व टू डब्ल्यू बिट्स राइट जो प्लेन टेक्स्ट है दैट इज ऑफ टू डब्ल्यू बिट्स एंड ए की के कोई की के है राइट द प्लान टेक्सट ब्लॉक इज डिवाइड इंटू टू हाउस एल जीरो एंड आर जीरो एज डिपिक्टेड हर हमारे पास जो प्लेन टेक्सट है इन फिशल साइपर स्ट्रक्चर इज डिवाइड इंटू टू हाउस एल जीरो एंड आर जीरो द टू हाउस ऑफ डेटा पास थ्रो एंड राउंड ये जो दो हाफ वे डाटा है ना डेटा को प्लेन टेक्सट की जो डेटा हाउस बन गई एल जीरो एंड एल जीरो पास थ्रू एंड राउंड दिस इज राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री राउंड सो एंड सोन अप टू एन राउंड विल डिपेंड अपॉन एल्गोरिथम कितने राउंड होंगे राइट इन फेसल स्ट्रक्चर वी हैव एन राउंड ऑफ प्रोसेसिंग एंड देन कंबाइन टू प्रोड्यूस द साइफर टेक्सट ब्लॉक ये सारे राउंड uh, एंड में कम्बाइन होके क्या अगर आप यहां पे देखोगे ये सारे राउंड एंड में कंबाइन होके ब्लॉक बन जाते हैं राइट right? ये फर्स्ट राउंड था दिस इज सेकंड राउंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन अप टू एन राउंड जब ये सारे राउंड अपना ये जो आउटपुट है इट विल कम्बाइन अप, अप तो गिव द साइफर टेक्स्ट बैक ऑफ टू डब्ल्यू बिट ठीक ईच राउंड आई अब हर एक राउंड क्या है ईच राउंड आई हैज एल आई माइनस वन एंड आर आई माइनस वन एज इनपुट जैसे राउंड वन है इसको इनपुट जाएगा एल जीरो आर जीरो अगर राउंड टू है उसको इनपुट जाएगा एल वन आर वन अगर राउंड थ्री है उसको इनपुट जाएगा एल टू आर थ्री राउंड है उसको इनपुट जाएगा एल आई माइनस वन एंड आर आई माइनस वन डिराइव फ्रॉम द प्रीवियस राउंड जो हमें प्रीवियस राउंड से मिलेगा जैसे जो इस राउंड को इनपुट मिलेगा वो इस राउंड से हमने डिराइव किया सिमिलरली जो इस राउंड को इनपुट मिलेगा वो इस राउंड से हमने डिराइव किया एज वेल एज ए सबकी के आई हमारे पास जो ओरिजिनल की है ना सब की इसको हम परम्यूटेशन सबस्ट्यूशन वगैरह कुछ मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करके वे डिराइव डिफरेंट नंबर ऑफ सबकी फिर हर एक सबकी को हम अपने अपने राउंड को देते हैं राइट right? जो हम हमारे पास ये सबकीज है आर डिराइव्ड फ्रॉम द ओवरऑल की ऑल राउंड हैव द सेम स्ट्रक्चर सारे के सारे जो राउंड है ना इनका स्ट्रक्चर सेम है अब देखो ऑन द राइट हाफ ऑफ द डेटा अप्लाई अर राउंड फंक्शन जो ये राइट हॉप ऑफ द डेटा है एल जीरो यहां पर लेफ्ट है आर जीरो वी अपलाई अराउंड फंक्शन है function, F, इस पे हम अगर आप यहाँ पे देखोगे इट इज लाइक दिस यहाँ पे इधर जाता है इस पे हम राउंड फंक्शन यहां से जाता है ये इस पे हम राउंड फंक्शन एफ अप्लाई करते हैं एंड इन दिस फंक्शन वी विल यूज ए सबकी के जैसे मैंने बोला जो सबकीव फ्रॉम द ऑरिजिनल की सो जो राइट पार्ट ऑफ द डेटा है इन ईच राउंड इस पे क्या होता है एक राउंड फंक्शन एफ हम अप्लाई करते हैं और एक सबकी की जो हम डिराइव करते हैं किससे मास्टर की से राइट देन द आउटपुट ऑफ ऑफ दिस जो यहां से देखो इस राइट right हाफ से और इस की से जब हमने इसको राउंड फंक्शन किया जो यहां से अब आउटपुट मिलेगा इसको हम जोर ऑपरेशन एक्सक्लूसिव आर ऑपरेशन करते हैं विद द लेफ्ट हाफ ऑफ प्लेन टेक्स्ट ठीक एंड जो यहां से आउटपुट मिलेगा और यहां से आउटपुट मिलेगा इसको हम स्वैप करते हैं ठीक फिर से देखो यहां से जो राइट हाफ ऑफ द डाटा इसको हम राउंड फंक्शन अप्लाई करते हैं विद द सब की डिराइव फ्रॉम द की जो यहां से आउटपुट मिलेगा उसको हम जार करते हैं विद द लेफ्ट हैंड आउटपुट डाटा नाउ जो यहां पे था राइट हाफ ऑफ द डेटा इसको हम स्वैप करते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट और जो यहां से आउटपुट था फ्रॉम राउंड फंक्शन एंड लेफ्ट डाटा इसको हम यहां पर स्वैप करते हैं राइट दिस हैपन्स फॉर वन ंगल राउंड ये एक राउंड के लिए हो गया वी विल हैव एन विल्ड हमारे पास कितने राँड़? जैसे मैंने पहले बोला वी विल हैव हैव एन एंड ऑल द सेम सेम स्ट्रक्चर अब यहां यहां से जो आउट मिला यहां पे इसको हम दूसरे राउंड को देंगे दूसरे राउंड पे एक फंक्शन एक और फंक्शन होगी ठीक उस फंक्शन के लिए एक और सब की होगी वहां से आउटपुट मिलेगा उसको जोर करेंगे विद द लेफ्ट लैपटॉप ऑफ द डेटा जो यहां से आउटपुट मिलेगा उसको यहां पे स्वैप करेंगे जो यहां से आउटपुट मिलेगा उसको यहां स्वैप करेंगे राइट फिर ऐसे ऐसे करके क्या वी हैव एन राउंड जो लास्ट में होगा लास्ट में जो डेटा होगा उसको हम स्वैप करेंगे एंड वी विल गेट द साइफर टेक्स्ट बैक जैसे यहां पे हम अगर देखेंगे दिस इज द फर्स्ट राउंड आई एथ राउंड के एथ राउंड एंड लास्ट में एल एन एंड आर इनको स्वैप करेंगे तो वी विल गेट द साइफर टेक्स्ट बैक दिस इज द फीस्टल साइफर हाँ हमारे पास अब कुछ पैरामीटर्स है ऑन विच फीस्टल साइफर स्ट्रक्चर डिपेंड्स नंबर वन इज द ब्लॉक साइज यानी कि जो ब्लॉक साइज होगा जैसे मैंने पहले बोला ये जो प्लेन टेक्स्ट है ब्लॉक साइज़, ये जो साइजल साइफर स्ट्रक्चर इट्स अ ब्लॉक साइफर स्ट्रक्चर मीन्स वी डिवाइड द प्लेन इन टू ब्लॉक्स, ठीक सो so, जितना हमारे पास ब्लॉक साइज बड़ा होगा उतनी ज्यादा सिक्योरिटी होगी मीन्स लार्जर द ब्लॉक साइज मीन्स ग्रेटर द सिक्योरिटी सिमिलरली वे हैव की साइज जैसे हमारे पास ओरिजिनल की होती है फिर उसकी से हम सब चीज डिराइव करते हैं सो लार्जर द की साइज मीनज ग्रेटर सिक्योरिटी बट मे डिक्रीज एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन स्पीड जितना की साइज ज्यादा होगा उतनी ज्यादा सिक्योरिटी होगी लेकिन इससे क्या होगा इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन स्पीड जो होगी वो थोड़ी कम होगी हाँ सिक्सटी फोर बिट्स आर नाउ इनएडिकेट जो आजकल के इनक्रिप्शन uh, टेक्नीस uh, है उनमें सिक्सटी फोर बिट कीज है देट आर इन एडिकेट वन ट्वेंटी इज द वन ट्वेंटी एट इज द कॉमन साइज राइट नंबर ऑफ राउंड जैसे मैंने बोला एन राउंड्स इन है साइबर स्ट्रक्चर अब ये कैसे डिपेंड करेगा इस पे मोर नंबर ऑफ राउंड्स मीन्स मोर सिक्योरिटी जैसे मैंने बोला जितने हमारे पास ज्यादा राउंड्स होंगे उतना क्या डेटा का डेटा दे, की जो रैंडमनेस है वो बढ़ जाएगी जितनी रैंडमनेस बढ़ जाएगी उतना क्या सिक्योरिटी बढ़ जाएगी टिपिकली हमारे पास जो राउंड्स होते हैं राइट देन वी सब सबकी जनरेशन एल्गोरिथम यानी कि जैसे हमने बोला हमारे पास एक मास्टर की होती है फिर हम उस मास्टर की से की डिराइव करते हैं उनके लिए एक है उसको हम बोलते हैं सबकी जनरेशन एल्गोरिथम जितनी उस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी तो जो ये क्रिप्ट एनालिस होगा उसके लिए उसको डिफिकल्ट हो जाएगा इसको ब्रेक करना सो ग्रेटर कॉम्पलेक्सटी इन दिस लीड टू द ग्रेटर डिफिकल्टी टू द क्रिप्ट एनालिसिस देन वी हा राउंड फंक्शन जो एफ फंक्शन यहां पे थी हमारे स्ट्रक्चर में ये राउंड फंक्शन जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए इस राइट हॉप ऑफ द डेट एंड और की को इन दो पे इसी राउंड फंक्शन को अप्लाई करते हैं सो दैट वी गेट द आउटपुट विच इज देन विद द लेफ्ट साइड ऑफ द डेटा ये जो राउंड फंक्शन है जितनी एक मोर कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स ग्रेटर रेजिस्टेंस जितनी ये कॉम्प्लेक्स होगी मीन्स जितना यहाँ पे जो ये राउंड फंक्शन होगी जितनी ये कॉम्प्लेक्स होगी मीनस जो ये डेटा है सब की एंड राइट ऑफ द डेटा जितना ये कॉम्प्लेक्स ये राउंड फंक्शन होगी उतना ज्यादा क्या उतना क्रिप्ट उतना ज्यादा मुश्किल होगा क्रिप्ट एनालिसिस को हमारा एल्गोरिथम ब्रेक करना दिस वॉज ऑल अबाउट physical cipher structure and some parameters on which it depends thank you have a nice day